तो ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो हमने बहुत ही जुगाड़ से इसे बाय करा है एंड जिसका प्राइस वो है 10,999 रुपये। हमने कहाँ से बाय करा अभी हम आपको आगे बता देंगे। और इस टाइप से कुछ इसका बॉक्स बहुत ही ओरिजिनल देखने में लगता है और पीछे कहीं पर भी स्टार वैल्यू जो है मेंशन नहीं है, सीरियल नंबर मेंशन है वो भी कुछ और ही है। फिलहाल और भी हम चीज़ इसमें डिटेल्स देख लेते हैं एंड अब करते से अनबॉक्स। तो इस टाइप का कुछ इसका बॉक्स है, कलर है डीप पर्पल एंड देखने में तो भाई बिल्कुल ये आईफोन 14 प्रो मैक्स कितना ही लग रहा है। और जब आप बिल्कुल पास से देखेंगे, इसके ऐप्स में एक्सेस करेंगे, तब पता चलेगा हाँ ये कॉपी है। एंड इन हैंड फील की बात कर तो पता ही नहीं चलता है कि हमने क्लोन को पकड़ा है या ओरिजिनल को। इस टाइप से गाइस कुछ बाकी जो फ्रेम है वो स्टेनल स्टील का है। क्या स्क्रीन साइज है वो 6.7 इंचेस का है, इसमें ऐसा मेंशन है फिलहाल। और अब इसे ऑन कर लेते हैं तो गाइस एप्पल लोगो शो होना स्टार्ट हो गया है एंड ये अब ऑन हो रहा है। हेलो हेलो जी, तो इस टाइप से कुछ ये हो रहा है एंड अब हम इसे जल्दी से सेटअप कर लेते हैं फिर मिलते हैं आगे। बाकी गाइस इसके साथ हमें केबल मिलती है, आप देख सकते हैं लाइटनिंग टू ए केबल है। बाकी ओरिजिनल के साथ हमें टाइप सी देखने को मिलती है एंड इस टाइप से कुछ इसकी केबल है। बाकी केबल की क्वालिटी तो गाइस काफ़ी सही है, कॉपी होने के बाद भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब कि इन हैंड फील की बात करो तो सही लग रही है। बाकी इसमें सिम टूल इजेक्टर है, ये देखिए ये एक सिम टूल इजेक्टर एंड कुछ रजिस्ट्री के कागजात। बाकी फुल सेटअप होने के बाद आप देख, और इसमें तो टिकटॉक भी है, पहले से रिमूव कर देते हैं फिर आगे बात करते हैं। एंड प्ले स्टोर को भी हम हटा सकते हैं जिससे कि और भी ओरिजिनल लगे देखने में। तो प्ले स्टोर को हम अभी रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि इससे हम ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। बाकी इसका जो म्यूट फीचर इसको भी देख लेते हैं, इसमें मिलता है डायनेमिक आइलैंड, ये देखिए अभी वर्क कर रहा है एंड बहुत ही सही से वो भी। तो इसका जो डायनेमिक आइलैंड है वो भी गाइस आप देख सकते हैं सही से वर्क कर रहा है, यार क्या लेवल की कॉपी है। आप इसे चार्ज करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ये वर्क कर रहा है। बाकी रियल और फेक की इमेजेस देख सकते हैं एंड जो रियल में बेजल्स बहुत ही कम होते हैं एंड बाकी ये सेम ही लग रहा है। स्वाइप डाउन करेंगे एंड इसका नोटिफिकेशन बार आप देख सकते हैं कितने तगड़े लेवल की कॉपी है। वॉच का फीचर भी देखने को मिलता है और इसमें व्हाट्सएप भी हम यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं, अभी और भी चीज़ें हम देखते हैं क्या क्या और यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें पबजी भी है, इसको भी यूज़ करके देखते हैं। इसमें गाइस नॉर्मल ऐप्स तो वर्क करते नहीं, पबजी तो बिल्कुल नहीं वर्क करेगा। और इसका एनिमेशन आप देख सकते हैं बहुत ही सिमिलर है आईफोन से, बिल्कुल कॉपी दिया गया सब कुछ। तो अभी सेटिंग्स पर हम आ गए हैं एंड इसके साउंड्स को चेक कर लेते हैं कि इसका जो स्पीकर है वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो ये वर्क कर रहा है, इसमें और भी हमें काफ़ी रिंगटोन्स देखने को मिल जाती हैं एंड इसमें हमें फेस आईडी का भी ऑप्शन मिलता है, ये बस नाम की फेस आईडी है, काम इसका कोई भी नहीं है। बाकी इसमें पासकोड ऐड कर सकते हैं, ये कभी कदार वर्क कर जाता है इसका पासकोड। तो अभी हम पासकोड भी चेक करते हैं, फेस आईडी नहीं, ये देखिए इससे अनलॉक हो जाता है। अभी हम गैलरी भी एक बार इसकी चेक कर लेते हैं किस टाइप की गैलरी इसकी फ़ोटोज़। तो बिल्कुल देखने में आईफोन ही के तरीके, मतलब पूरा ही कॉपी है गाइस ये। इसके कैमरे को टेस्ट कर लेते हैं, इसके बॉक्स में इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं कितने मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, कुछ भी मेंशन नहीं है। बाकी वीडियो है, फोटो है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। स्लो मोशन अगर रिकॉर्ड करके देखते हैं, ये देखिए स्लो मोशन है ये। तो कॉपी फ़ोन में तो स्लो मोशन चलता ही नहीं है आप आईफोन की कॉपी में, ये देखिए इस टाइप से कुछ स्लो मोशन के नाम पे मोशन से खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है इस टाइप से कुछ का स्लो मोशन है। रियल वीडियो और फोटोज़ भी हम कुछ क्लिक करते हैं आईफोन से एंड हमने इसके जो कैमरे को बिल्कुल स्टेबल रखा है फिर भी ये शेक हो रहा है अपने आप ही, और इस टाइप से कुछ स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड फोटोज़ भी क्लिक करें इस टाइप से। बाकी इसकी सिम ट्रे देख सकते हैं, इसमें कितने सिम हम लगा सकते हैं, 4-5 कितने। तो इस टाइप से इसमें गाइस डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दो सिम लगा सकते हैं, वो भी देखते वर्क करेंगे कि नहीं। तो हमने इसमें दो सिम लगा दिए, दोनों 4G सिम है एंड ये 5G नहीं है, 4G है क्योंकि एक क्लोन है। तो गाइस कॉल वगैरह तो आ रही है एंड अब इससे रिसीव करते हैं। बाकी इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस गाइस ब्राइटनेस में कोई भी कमी नहीं रखी इन लोगों ने, ब्राइटनेस बहुत इसकी सही है, ब्राइटनेस बहुत आउटसाइड में भी काफ़ी सही रहेगी। आजकल काफ़ी गाइस स्कैम्स चल रहे हैं। बाकी अभी सेटिंग्स पे जाते और अभी आपको दिखाते एक चीज़ एंड यहाँ पर स्टोरेज पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं 128 GB का स्टोरेज है एंड हमने कोड बहुत ही रिसर्च करा फिर हमको मिला
स्टार हैज स्टार 666 हैज स्टार, इस पर हम आप देख सकते हैं यहाँ से लोग इसको कंट्रोल करते हैं फुल। इस पर कहीं पर भी सेट कर सकते हैं 512 1 TB, जो बाकी इस मोबाइल में 16 या 32 GB इतना ही स्टोरेज रहता है, बट ये लोग यहाँ से इसे सेट कर देते हैं और वही आपको दिखा देते हैं कि इसमें इतना स्टोरेज है। ये देखिए इससे अलग ज़्यादा चार्ज भी ले लेंगे, कहेंगे कि 1 TB कम आपको सेंड करें तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, बट इसमें 16 या 32 GB इतना ही रहता है। बाकी जब हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो अभी हम आपको दिखाते हैं, तो ये 512 है और यहाँ से जैसे हम इसको सेट करेंगे वहाँ पर भी बदल जाएगा। और सीरियल नंबर में सेम ऐसा ही है, जैसे कि किसी ने ओरिजिनल आईफोन का इसमें सीरियल नंबर, जैसे कि अभी हम जाते हैं अबाउट पर और यहाँ जनरल पर, यहाँ से तो हम सीरियल नंबर को चेंज नहीं कर सकते, बट जो कोड अभी हमने आपको दिखाया था अभी हम आपको दिखाते हैं। इस टाइप से जब इसमें कोड एंटर करेंगे ये वाला, तो यहाँ से हम इसका सीरियल नंबर भी चेंज कर सकते हैं जो कि सेटिंग्स पर जाकर चेंज हो जाएगा। तो इस स्कैम में भी काफ़ी लोग फंस जाते हैं, सीरियल नंबर से चेक कर लेते हैं कि आईफोन हाँ तो ओरिजिनल है, तो इससे भी बचें और ये सीरियल नंबर एडिट हो जाता है। ऐसे ही मॉडल नंबर, ईएमआई नंबर ये लोग पूरा एडिट कर देते हैं अपने हिसाब से, ओरिजिनल आईफोन का डाल देते हैं, मतलब इस टाइप से कुछ होता है स्कैम, तो इससे अलर्ट रहें। और हमने आपको बता दिया जो हमें पता था, हमने भी काफ़ी रिसर्च करा इसके बारे में फिर ही हमको पता चला। बाकी ये आप गोला देख रहे हैं, ये जो सर्कल है इसको हम हाइड कर सकते हैं, ये होता है असिस्टिव मेन्यू, इसमें काफ़ी शॉर्टकट्स होते हैं एंड इसके लिए हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पर और यहाँ से असिस्टिव टच को कर देंगे ऑफ। बाकी क्लोन के हिसाब से इसके सारे सेंसर बहुत ही बकवास हैं एंड आप देख सकते हैं कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। बाकी हमने एक रियल आईफोन लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है इसका कंपास एंड ये बिल्कुल फेक, जाना होगा कम नॉर्थ में तो पहुंचा देगा साउथ में। एंड इसमें ऐप्स भी कुछ दिए हैं जैसे कि फाइंड माई, तो इसमें गूगल मैप्स खुलेगा, बाकी ऐसे ही बहुत सारे इसमें ऐप्स है जिसमें आप एक्सेस करेंगे तो आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे, गूगल में सर्च अगर कुछ करते तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे, इस टाइप से कुछ इसका हाल है। बाकी ये इसका ऐप स्टोर है गाइस, इस पर भी हम देखते हैं, आप देख सकते हैं पहली बात तो लोड ही नहीं कर रहे ऐप्स और ये काफ़ी पुराना वर्जन है, ये देख सकते हैं इस टाइप से कुछ ऐप स्टोर का एंड इसमें पता नहीं ऐप्स डाउनलोड होंगे भी नहीं होंगे। और अब हम प्ले स्टोर भी देख लेते हैं, तो प्ले स्टोर तो ये भी बहुत ही ओल्ड वर्जन है प्ले स्टोर का, इस टाइप से कुछ ये एंड्रॉयड 6 का वर्जन है, में ऐप्स डाउनलोड भी कर लेंगे तो इसमें रन ही नहीं करेंगे ऐप्स, इस टाइप का कुछ प्ले स्टोर है। तो हमने एक ऐप डाउनलोड करा है CPZ, इस पर हम इसको फुल टेस्ट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं दो सॉफ्टवेयर को इसमें एक ही में जोड़कर एक मीडियाटेक प्रोसेसर में बना दिया, बाकी ये एंड्रॉयड 6 पे वर्क कर रहा है, बहुत ही पुराना है एंड जिसकी बैटरी हेल्थ है वो है 3455 mAh की। बाकी इसमें यूट्यूब वर्क कर रहा है वो भी देख लेते हैं। 150 रुपया देगा, एक का 150 यानी कि 2 का 3। आप देख सकते हैं पकड़ने में तो काफ़ी सही है, दूर से नहीं लगता है कि ये क्लोन है, पर इसे बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि गाइस इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है और इसकी वारंटी वगैरह नहीं मिलती, काफ़ी लोग स्कैम में फंस भी जाते हैं आजकल। लेटेस्ट आईफोन आपको कोई 10-20 हज़ार रुपये में नहीं देगा, इस बात को आप लोग लाइटली मत लीजिए और स्कैम से बचिए। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और दूसरों को भी वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी बच सके स्कैम से, और देखते रहिए फैंसी टच, मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द। तो गाइस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फैंसी टच को। टेक केयर एंड बाय बाय।